विराट कोहली ने जो अपने पूरे करियर में नहीं किया ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है बाबर आजम ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच अभी अभी 3 वनडे मैचों की सीरीज खत्म हुई, जहां पर पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स पर क्लीन स्वीप कर दिया, यानी कि उनका जो सुपड़ा है वो साफ कर दिया। तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 9 रन से हराकर सीरीज अपने नाम की और उस मैच के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। 91 रन उन्होंने बनाए और नर्वस 90s का वो शिकार हो गए। अब नर्वस 90s का शिकार तो हो गए, बट इस 91 रन बनाने के साथ उन्होंने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो विराट कोहली अब तक अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। बाबर आजम, विराट कोहली, इन दोनों खिलाड़ियों को हमेशा कंपेयर किया जाता है, चाहे वो बात करें मैचों के मामले में, चाहे बात करें शतक के मामले में, चाहे बात करें रनों के मामले में। हालांकि विराट कोहली इन सब में बहुत आगे हैं, क्योंकि 70 शतक वाले इंसान हैं विराट कोहली। वहीं अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने अब तक 30 शतक भी नहीं बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये तो हो गई विराट और बाबर के कंपैरिजन की बात, तो इसलिए हम इस ये वीडियो में आपको आपके सामने लेकर आए हैं कि आखिर बाबर और विराट में ये जो कंपैरिजन चल रहा है उसमें एक नया जो अध्याय है वो क्या जुड़ गया है, आखिर ऐसा क्या रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने अपने नाम किया जो कि शर्मनाक है और जो विराट कोहली ने अब तक नहीं किया। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर बाबर आजम ने क्या किया है। देखिए, बाबर आजम के नाम इस धीमी पारी के साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पाकिस्तान के कप्तान 2017 से वनडे में 80 से कम स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा बार 90 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। नीदरलैंड के खिलाफ जो आखिरी वनडे बाबर आजम ने खेला उसमें उनका स्ट्राइक रेट 72.80 का था और इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है, इसमें दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के शाय होप और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है। और साथ ही साथ ये जानकर हैरानी होगी कि विराट कोहली ने कभी भी अपने पूरे वनडे करियर में ऐसा नहीं किया। तो 2017 से अगर वनडे की बात की जाए तो वनडे में 80 से कम स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा बार 90 प्लस स्कोर बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो बन गए बाबर आजम। 4 बार इन्होंने अब तक 90 प्लस का स्कोर बनाया है, वो भी 80 से कम स्ट्राइक रेट के साथ। 3 बार बनाए हैं शाय होप ने, 2 बार बनाया है केन विलियमसन ने और 2 बार कायल कोल्जर ने। तो ये बाबर आजम की रिकॉर्ड की बात करें, शर्मनाक रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर बात करें वनडे में तो लगभग हम मानते हैं कि 90 से 95 का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा माना जाता है, बट बाबर आजम ने 80 से कम स्ट्राइक रेट के साथ 90 प्लस स्कोर 4 बार बनाए हैं 2017 से, और विराट कोहली ने अब तक ऐसा नहीं किया है। और अगर बात करें बाबर आजम के फॉर्म की तो बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में पिछली 10 पारियों में 837 रन बनाए हैं और 9 बार 50 से अधिक का स्कोर जो है वो बना चुके हैं। और इस तरह से जिस तरह से बाबर आजम जो है विराट कोहली के आसपास चल रहे हैं, यानी कि विराट कोहली से लगातार उनका जो कंपैरिजन चल रहा है, विराट कोहली से बेहतर फॉर्म में फिलहाल बाबर आजम चल रहे हैं, बट कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जब एशिया कप आएगा वहां पर शायद विराट कोहली बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए उनसे ज़्यादा रन बनाएंगे और जो विराट का जो फॉर्म है जो 2019 के बाद से नहीं आया है वो शायद आपको इस एशिया कप में देखने को मिले। तो अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि बाबर आजम या विराट कोहली, अब एशिया कप की बारी है, अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, और अगर जो बनाएगा तो क्या वो विनिंग कंट्रीब्यूशन में होगा, क्या वो अपनी टीम को जीत दिला पाएगा, क्या वो अपनी टीम को एशिया कप दिला पाएगा या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।